जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, पंचायत सहायकों के साथ दुर्व्यवहार का मामला कई बार आया है और जैसे ही प्रकाशित होता है उसको मैं दिखाता हूँ और उससे कुछ निचोड़ निकालने का प्रयास करता हूँ कि पंचायत सहायक जागरूक हों, अपने अधिकारों के प्रति लड़ें। ऐसा ही एक मामला है, पंचायत सहायक के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। मानदेय तक 6-7 महीने से नहीं दिया गया है, साथ में मारपीट भी की गई है और पंचायत सहायकों ने अब हड़ताल टाइप का, जैसे कि विकास खंड पे पहुंच के विकास खंड पे किसी भी अधिकारियों को नहीं जाने देना, इस तरीके से अपनी मांगों को लेके वो लोग जागरूक हैं और किसी भी अधिकारी को अब विकास खंड में नहीं प्रवेश करने दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है दोस्तों, विकास खंड बिजुआ बताया जा रहा है और इन्होंने सहायक विकास अधिकारी को एक लेटर लिखा है। आगे भी मैं बताऊंगा, क्या आपको लगता है कि सहायक विकास अधिकारी ग्राम प्रधान पे कार्रवाई करेंगे, इस पर ही मैं आगे चर्चा करूंगा। साथ में जब सहायक विकास अधिकारी को लेटर लिख रहे हैं पंचायत सहायक, तो प्रशासनिक मदद भी उन्हें लेनी चाहिए, ये भी उनको समझना होगा। और जब ऐसा ही प्रक्रिया कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अपनी मांगों को लेकर उग्र हो रहे हैं, साथ में विकास खंड पे जो धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, ये सब अच्छी चीज है, लेकिन साथ में प्रशासन को उनको लेटर दे के अवगत भी कराना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सीधा प्रशासन यहाँ पे कट जाने वाला है कि हमें तो सूचना ही नहीं मिली, जैसा कि पिछले मामले में भी हुआ था, मैं आपको बताया था। दोस्तों, यहाँ पे खीरी का मामला देखने को मिल रहा है और यहाँ पे स्पष्ट बोला जा रहा है कि दिनांक 26/8/2023 दिन शनिवार को ग्राम पंचायत जहानपुर में तैनात पंचायत सहायक संजीव सरन शाम 5:39 पर अपने सचिवालय को बंद करके घर जा रहे थे, तभी रास्ते में ग्राम पंचायत सहारनपुर के प्रधान श्री दिनेश कुमार ने संजीव सरन को बेवजह गाली गलौज दिया, उसके बाद मारपीट भी की। बेवजह तो नहीं, हो सकता है कुछ ना कुछ मामला तो होगा, जो भी अंदरूनी मामला हो, बेवजह ऐसा कोई नहीं आके मतलब बोलने लगेगा, कुछ ना कुछ होगा, तो ये थोड़ा समझने की चीजें है। लेकिन कुछ भी हो, किसी को भी किसी को मारना पीटना गाली गलौज देना ये अच्छी चीजें नहीं है। जो भी मामला हो, सबका एक तरीका होता है उसको सही तरीके से निवारण करने का, तो ये अच्छी चीजें नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बार बार धमकी दे रहे थे, 5-6 महीने से पेमेंट तक नहीं दिया गया है, ये है दोस्तों पूरा मामला। इसके बाद जब पंचायत सहायक ने जो श्रीमान सहायक विकास अधिकारी को लेटर दिया है, तो इसमें भी अपनी सारी बातें कही है, साथ में सभी वहां के पंचायत सहायक एकजुट हैं, पूरा एकजुट होके सभी ने सिग्नेचर करके सहायक विकास अधिकारी को ये लेटर सौंपा है कि आप इस पे कार्रवाई करें। अब बात क्या आती है कि यार सहायक विकास अधिकारी ग्राम प्रधान पे कार्रवाई करने वाले हैं, आपको लगता है, आपको क्या लगता है, आप लोग बताइए कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि रियलिटी क्या है वो छुप नहीं रही है सबको, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें समझनी होगी, देखनी होगी। हर चीज मैं बोल दूं ये उचित भी नहीं रहेगा, इसलिए आपको अपने स्तर से कि आपके यहाँ क्या माहौल है, किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, है ना, किससे किसको कितना लाभ है ना, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी अंदरूनी हिसाब से। अगर आपके साथ कोई भी मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो प्रशासनिक मदद लेनी जरूरी है, ये आपकी विभागीय कार्रवाई है, आपने बोला है सहायक विकास अधिकारी से, ये अच्छी चीजें हैं, बुरी नहीं है। लेकिन आपने अपने क्षेत्र के दरोगा को लिखित में नहीं दिया है, अपने थाने अध्यक्ष को लिखित में नहीं दिया है, तो ये एक माइनस पॉइंट है ना, क्योंकि कार्रवाई वही करेंगे, मारपीट वाली जो भी कार्रवाई है ये वो कार्रवाई करेंगे। रही बात ये एक तरीके से विभागीय कार्रवाई, तो ये अधिकारी लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए, और उसके लिए भी नहीं होती है तो उसके लिए भी आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, और जो भी आसपास के विकास खंड के पंचायत सहायक है उनको भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, ये स्पष्ट है दोस्तों। ये है दोस्तों जो सहायक विकास अधिकारी को इन्होंने दिया है, साथ में आप ये तस्वीर देख रहे हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने सहायक विकास अधिकारी को अपना लेटर दिया है। और एक और अपडेट आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इन्होंने उसके बाद बिजुआ विकास खंड अधिकारी के कार्यालय पर पंचायत सहायकों का धरना भी जारी हो गया है। कई दर्जन की संख्या में पंचायत सहायकों ने ब्लॉक मुख्यालय के गेट को बंद कर बैठकर धरने पर पंचायत सहायक के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर ब्लॉक के समस्त पंचायत सहायक धरने पर बैठे हैं, और वहां के ब्लॉक में किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा, ये चीजें हैं। उस ग्राम प्रधान को, जो ग्राम प्रधान ने ये सब किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। तो दोस्तों, प्रशासनिक जरूरत भी आपको समझना होगा, वहां पे भी लिखित आपको देना होगा, क्योंकि कार्रवाई वही करेगा, है ना, आपके क्षेत्र का जो थाना है वहीं से कार्रवाई होनी है, जो भी सजा की प्रक्रिया है, साथ में जो प्रशासनिक चीजें हैं वो अलग चीजें हैं, जो आपके विभागीय चीजें हैं वो अलग चीजें हैं, दोनों दो चीजें हैं, दोनों तरफ से आपको
चलना होगा, क्योंकि और आपको अगर वहां से थानाध्यक्ष अगर कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको यूपी पुलिस को ट्वीट वगैरह करके, जैसा कि पीछे भी ऐसे पंचायत सहायकों ने सहायता लिया है, तो आपको ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी होगी। और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोग एकजुट हुए, और इसी तरीके से आप लोग लगातार फाइट करते रहिए, जब तक न्याय न मिले आप लोग पीछे ना हटिए। जो भी इस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक हो दो हो, आप सभी लोग एकजुट होकर उससे फाइट करिए, उस पर जब तक कार्रवाई ना हो आप लोग वहां से हटिए नहीं। तो सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल फिर दोस्तों, जय हिंद।